मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम लोग सब? अगर अच्छे नहीं हो तो मैं आपको अच्छा कर देती हूँ। कैसे? चलो आज मैं आप लोगों को लड्डू बनाना सिखा देती हूँ। बोलोगे मैम मैथ सिखाते हो, लड्डू कैसे बनाना सिखाओगे, लड्डू क्यों बनाना सिखाओगे? जो आज हमारा टॉपिक है दैट इज कॉल्ड एज रेशो एंड प्रपोर्शन, और उसी में मैं आपको बताऊंगी कि लड्डू क्यों बोल रही थी, मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। यस, सो वेलकम टू आकाश अग्रवाल क्लासेस। मैं हूँ अपर्णा मैम। मैं आपको आज बताने वाली हूँ रेशो एंड प्रपोर्शन। व्हाट इज रेशो, व्हाट इज प्रपोर्शन? रेशो मतलब क्या? रेशो इज कंपेरिजन रिलेशन बिटवीन टू क्वान्टिटीज, टू सेम क्वान्टिटीज। व्हाट इज रेशो? रेशो is relation between two same unit of quantities। इसका मतलब क्या? इसका मतलब मैं हिंदी में भी समझाऊंगी और इसको और अच्छे से भी समझाऊंगी, सिर्फ ध्यान रखो। अब लड्डू बोली हूँ तो बताना भी पड़ेगा ना लड्डू बनते कैसे। आपने घर में मम्मी को देखा होगा लड्डू बनाते हुए, तो मम्मी लड्डू कैसे बनाती है यार? किसी किसी की मम्मी को नहीं आता है लड्डू बनाना, तो वो क्या करेगी? वो संजीव कपूर की वीडियोस देखेगी या फिर वो रेसिपी बुक खोलेगी और फिर चेक करेगी कि लड्डू बनते क्या कैसे है। तो वो रेसिपी बुक में मेंशन होगा कि फॉर टू पीपल, फॉर टू पर्सन, फॉर फोर पर्सन, मतलब जो क्वान्टिटी दी है वो कितने लोगों के लिए है, वो दो लोगों के लिए या फिर वो चार लोगों के लिए, जो भी मेंशन होगा। यस, लड्डू में क्या क्या लगता है? लड्डू में लगता है रवा, शुगर एंड घी। यस, ये तीन चीजें लगती है। अगर आप रेसिपी को उठा के देखेंगे तो वहां पे क्या लिखा होगा कि चार बाउल आप रवा ले लीजिए, उसमें आप आठ बाउल शुगर डाल दीजिए और उसमें दो बाउल आप घी डाल दीजिए। आप बोलोगे मैम क्यों बता रहे हो, सही में लड्डू बनवा रहे हो? नहीं, सही में लड्डू नहीं बनवा रही, सिर्फ रेशो क्या होता है वो समझा रही हूँ, एक एग्जांपल लेके। अब लेकिन हमारे घर में ये रेसिपी टू पीपल के लिए है, टू पर्सन के लिए है, जो रेसिपी बुक में मेंशन की। लेकिन हमारे घर में सिर्फ दो लोग नहीं है ना, हमारे घर में दो से ज़्यादा लोग हैं, हमारे घर में चार लोग हैं। तो अगर मैं ये सेम क्वान्टिटी यूज़ करके लड्डू बनाऊँ तो दो ही लोगों को लड्डू मिलेंगे, बाकी लोग क्या करेंगे? बाकी लोगों के लिए भी तो लड्डू बनाने, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जो ये क्वांटिटी दी है, जो ये रेसिपी है, वो चार जनों के हिसाब से बनाना पड़ेगा। मतलब रवा चार बाउल लिखा है, तो मुझे रवा कितना लेना पड़ेगा? मुझे लेना पड़ेगा आठ बाउल। इसका मतलब मुझे शुगर कितनी लेनी पड़ेगी? शुगर आठ बाउल की डबल, वो हो जाएगी सोलह बाउल। अब मुझे कैसे पता चला 16 बाउल? क्यों पता चला? क्योंकि मुझे पता है कि रवा का रेशो, रेशो कैसे लिखते हैं हम, सेमी कोलन, तो रवा का रेशो टू शुगर कितना है, वो है 1:2। इसका मतलब जितनी भी क्वांटिटी आप रवे की डालो उससे डबल क्वांटिटी आपको शुगर की डालनी है। दिस इज कंपैरिजन, इसको बोलते हैं कंपैरिजन। अब आप बोलोगे दोनों सेम क्वांटिटी तो नहीं है, रवा तो रवा है, शुगर तो शुगर है, दोनों सेम चीज नहीं है, लेकिन दोनों मेजरमेंट सेम है, दोनों केजी में मेजर करते हैं या ग्राम्स में मेजर करोगे, तो इसीलिए रवा और शुगर का कंपैरिजन आप कर सकते हो। इसका मतलब आपको रेसिपी में क्या दिया है कि जितना भी क्वांटिटी आप रवे का लेते हो उससे डबल क्वांटिटी की शुगर डालो, नहीं तो लड्डू में शक्कर कम हो जाएगी, है कि नहीं? मीठा कम हो जाएगा, मीठा कम होगा तो कोई खाएगा क्या? नहीं खाएगा। तो इसी के लिए ये जो रेसिपी बुक की बात कर रही हूँ, ये जो रेसिपी की बात कर रही हूँ, ये समझाने के लिए कि रेशोस क्या होते हैं, कंपेरिजन होते हैं बिटवीन टू क्वान्टिटीज। तो हमने क्या लिखा है डेफिनेशन, रेशो इज रिलेशन बिटवीन, आप रिलेशन के जगह कंपेरिजन भी लिख सकते हो, रेशो इज कंपेरिजन बिटवीन टू सेम यूनिट ऑफ क्वान्टिटीज। यस, तो आप रवा और शुगर का अगर कंपेरिजन करो तो रवा लड्डू बनाने के लिए जितना भी रवे का क्वान्टिटी लोगे उससे डबल आपको शुगर की लेनी पड़ेगी। घी कितना लेना पड़ेगा? घी आपको रवे के क्वांटिटी से आधा लेना पड़ेगा। मतलब अगर हमने रवा चार बाउल लिया है तो घी दो बाउल लेंगे,
तो 4 पर्सन के लिए बना रही हूँ, रवा 8 बाउल लिया है, तो घी कितना लेंगे? घी 4 बाउल लेंगे। मतलब क्वांटिटी ऑफ रवा एंड शुगर इज 1:2, सॉरी रेशियो ऑफ रवा एंड शुगर इज 1:2 एंड रेशियो ऑफ रवा इज टू घी कितना है? दैट इज 2:1। मतलब घी से डबल रवा और रवे से डबल शक्कर, ऐसे बन गया आपका रेसिपी। समझ में आ रहा है? अगर इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आप कितने भी लोगों के हिसाब से आप खाना बना सकते हो। लोग बदल सकते हैं ना, चेंज हो सकते हैं नंबर ऑफ पीपल। तो जब कभी कभी 4 लोगों का, कभी कभी 3 लोगों का, कभी कभी 2 लोगों, उस हिसाब से आपको क्वांटिटी कैसे डिसाइड करनी है? रेशो के हिसाब से कंपेयर करके कि रवा इतना लिया, अब इतने ही बाउल का मेजरमेंट मुझे शक्कर डबल लेनी है और उतने ही मेजरमेंट का, उतने ही बाउल का आधा आधा मुझे घी लेना है। ये समझ में आया? जो लोग बेकिंग करते होंगे, केक बनाते होंगे, उनको ये चीज़ बहुत आसानी से समझ में आएगी। वॉट इज रेशो? रेशो इज कंपेरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज, टू और मोर क्वांटिटीज। सेम यूनिट कैसे याद रखना है? देखो यार, खली और मेरे बीच में अगर आप लड़ाई करा दोगे, करवा लोगे अगर, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, मैं कभी नहीं मिलूंगी आपको फिर से, यही होगा। यस, सो खली और मेरे बीच में नहीं हो सकती है ना लड़ाई, तो सेम सेम लड़ाने के लिए भी बराबरी होनी चाहिए कि मैं किससे लड़ रही हूँ, जो नॉन फाइटर है उनसे मैं लड़ रही हूँ। तो आप बोल सकते हो कि हाँ चलो भाई झगड़ लो, या खली को आप कोई भी एक रेसलर के साथ झगड़ा करा लो तो बोल सकते हो हाँ चलो बराबरी की टक्कर हो रही है। तो वहां कंपैरिजन आप कर सकते हो, वहां रेशो आ सकता है। पैसे और केजी का कंपैरिजन आप नहीं कर सकते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मैं अगर आपके सामने एक बॉटल रख दूँ और मैं आपके सामने एक चेयर रख दूँ और मैं आपको बोलूँ बताओ इस बॉटल और चेयर में से कौन बड़ा है, तो आप कंपेयर कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि कोई उसमें सिमिलर चीज़ ही नहीं है ना, सेम चीज़ ही नहीं है। अगर मैं 2 बॉटल का कंपेरिजन करने बोलूँ तो हाँ आप देख के बता सकते हो कि कौन सी बॉटल बड़ी है। तो रेशो क्या बताता है? रेशो इज द कंपेरिजन बिटवीन टू सेम यूनिट्स। यस, अब हम यहाँ पे सिर्फ यूनिट्स लिख देते हैं। अब अगर आपको रेशो समझ में आ गया है, इसको लिखते कैसे है? इसको लिखते हैं आपको मोस्टली कैसे दिया जाएगा रेशो? आपको ए बी मतलब अल्फाबेट के हिसाब से दिया जाएगा। मतलब आपको बोला जाएगा कि ए, सपोज ए इज आई एम ए, योर अपर्णा मैम इज ए। सो अपर्णा मैम हैज ₹5 विथ हर, एंड सम पर्सन बी ही हैज ₹10 विथ हिम। तो रेशियो ऑफ ए इज टू बी, इसको बोलते क्या है? इज टू बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इज टू। ये जो साइन है, ये जो सिंबल है जो रेशियो को डिफाइन करती है, उसको हम बोलते हैं इज टू। इसको पढ़ते कैसे? इज टू। तो ए इज टू बी कितना हुआ? मतलब अपर्णा मैम के पैसों का रेशो टू बी पर्सन कितना हुआ? आप देखो 5:10 आप लिखोगे। अब आप इसको फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो या फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हो। फ्रैक्शन मतलब क्या? फ्रैक्शन मतलब 5/10, याद है ना? फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन मतलब पार्ट फ्रॉम दी होल थिंग। यस, आप इसको आप फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो 5/10 अगर मैं लिख दूँ, अगर मैं इसको रिड्यूस कर दूँ, रिड्यूस मतलब 5 के टेबल में 10 आता है, तो 5 1 5 2 10, तो मुझे क्या मिला? 1/2 मिला। मतलब रेशो इन बिटवीन एज टू बी कितना है? 1:2 है। इसका मतलब क्या? अपर्णा मैम के पास जितने भी पैसे हैं, अपर्णा मैम के पास जितने भी पैसे, उससे डबल पैसे बी पर्सन के पास है। पकड़ो इसको, कौन है ये मेरे से ज्यादा पैसे लेके बैठा है? सो अपर्णा मैम के पास, ए के पास जितने भी पैसे हैं, उससे डबल पैसे बी के पास है। ये ए इज टू बी इज द रेशो, ये 1:2 इज द रेशो बिटवीन ए इज टू बी। मतलब कल अगर मैं जाके बोल दूँ कि
रेशो बिटवीन ए इज टू बी इज 1:2 एंड ए हैज रुपीज 20 विथ हर. नाउ टेल मी बी के पास कितने हैं फिर. तो आप कैसे बताओगे ए के पास, ए और बी का रेशो 1:2 है, मतलब ए के पास जितने भी पैसे होते हैं उससे डबल बी के पास होते हैं. तो अभी ए के पास कितने हैं, 20 रुपए है, तो बी के पास कितने होंगे, बी के पास उससे डबल होंगे. मैं इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख देती हूँ, ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1/2. यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी दी है, 20, तो 20 अपॉन बी इज 1:2. तो मैं इसको कैसे ढूंढूंगी, 20:2 अपॉन 1:b. मैंने सिर्फ साइड चेंज किए, साइड चेंज कर दिए, बी वेरिएबल जिसको मुझे ढूंढना है उसको मैंने एक तरफ रख दिया है ऑन द इक्वल टू साइन राइट हैंड साइड पे. लेफ्ट हैंड साइड पे बाकी सब नंबर्स आ गए हैं. तो जब भी आप साइड चेंज करते हो, एक वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया कि ऑपरेशन चेंज होता है, तो ऑपरेशन चेंज कर दिया, 2 डिनोमिनेटर में है, डिविजन में है तो वो मल्टीप्लीकेशन में आ गया, 1 न्यूमरेटर में है, मल्टीप्लीकेशन में, तो वो डिनोमिनेटर में आ गया. तो 2 20 2 इज 40, मतलब बी के पास कितने पैसे हैं, 40 रुपीज़ है, अगर ए के पास 20 रुपीज़ है. तो आपको रेशो क्या है ये क्लियर समझ में आ गया है क्या. अगर आपको ये चीज क्लियर है तो प्लीज पॉज योर स्क्रीन एंड कॉपी दिस. आपको पहले लिखना पड़ेगा द डेफिनेशन ऑफ रेशो. डेफिनेशन क्या बोलता है, रेशो इज कंपैरिजन, रिलेशन या फिर कंपैरिजन, आप दोनों चीज लिख सकते हो. और कंपैरिजन बिटवीन सेम यूनिट्स, सेम यूनिट्स मतलब सेम बराबरी वाली चीजों में ही आप कंपैरिजन हो सकता है. एग्जांपल, अगर आप किसी के हाइट का कंपैरिजन कर रहे हो तो किसी और के हाइट से ही कंपेयर कर सकते हो. अगर आप किसी के वजन का कंपैरिजन कर रहे हो तो किसी और के वजन से ही आप रेशो बता सकते हो. अगर आप किसी के पैसों का कंपैरिजन कर रहे हो तो किसी और के पैसों से ही रेशो आप उसका लिख सकते हो. ये क्लियर है, सेम यूनिट्स वाला कंसेप्ट, कंपैरिजन वाली चीज़ क्लियर है. तो आप एग्जांपल लिख लीजिए, पॉज कर लीजिए स्क्रीन को और इसको कॉपी कर लीजिए. नाउ यहाँ पे मैंने आपको रेशो तो समझा दिया, रेशो को ढूंढते कैसे है, रेशो को ढूंढते कैसे है मतलब अगर आपको किसी चीज के बीच में रेशो दिया है और आपको कोई भी एक चीज की वैल्यू दी है तो आप दूसरे इसकी वैल्यू कैसे ढूंढ सकते हो वो मैंने आपको बताया. जैसे ए की वैल्यू, अपर नाम आपके पास 20 रुपये है तो बी के पास कितने हैं, ये कैसे ढूंढना हमने उनका रेशो यूज करके. कैसे, रेशो बता रहा था कि अपर्णा मैम के पास जितने भी पैसे उससे डबल बी के पास है, तो मैंने ए के पैसों को यूज किया, उसको डबल किया और बी के पैसे ढूंढ लिए. इसी को आपको यूज करना है आगे सम्स में, इसी तरीके के सम्स आपको रेशो में काम आएंगे. अब हमने टॉपिक जो स्टार्ट किया वो क्या था, दैट इज रेशो एंड प्रपोर्शन. तो रेशो क्या है ये आप समझ गए. उससे पहले रेशो की जो पॉइंट्स है वो हम लिख लेते हैं. एक तो डेफिनेशन आपने लिख लिया. डेफिनेशन में आपको ये चीज बहुत जरूरी है ध्यान में रखना है कि कंपैरिजन बिटवीन सेम चीज होती है ऑफ सेम यूनिट्स. आप यहाँ पे एग्जांपल करके लिख सकते हो, एग्जांपल हाइट कंपेयर्ड टू हाइट. Weight compared to weight. Yes, पैसे rupees compared to rupees. तो ऐसे आपको सेम यूनिट्स का कंपेरिजन होगा. दूसरी चीज आपको क्या ध्यान में रखनी है, प्रपोर्शन जो मैं आपको बताने वाले हूँ वो. प्रपोर्शन होता क्या है, अच्छा रेशो अगर आपको लिखा है, रेशो लिखते कैसे वो भी यहाँ पे ही लिख लो. आप पॉइंट प्रपोर्शन पे जाने से पहले रेशो लिखते कैसे हैं, रेशो कैसे मेंशन करते हैं. रेशो ए इज टू बी, दैट इज टू के जगह आप ये सेमी कॉलन भी लिख सकते हैं या फिर इसको आप फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हो, दैट इज ए अपॉन बी.
अब ये दो चीज अगर आपने लिख ली है, इसको पॉज कर लीजिए स्क्रीन को और इसको लिख लीजिए, फिर प्रपोर्शन क्या होता है वो समझाती हूँ मैं आपको इसके आगे। अगर ये क्लियर है तो अभी हम बढ़ते हैं ऑन द टॉपिक प्रपोर्शन। व्हाट इज प्रपोर्शन वो मैं आपको समझाती हूँ। देखो मैंने आपको रेशो समझाया, तो वो एग्जाम्पल को मैं फिर से लेती हूँ, ए इज टू बी वाला। ए इज मतलब एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है। ए के पास 5 रुपए है तो बी के पास 10 रुपीज है। अगर आप इसको रिड्यूस कर दो तो आपको क्या मिलता है, ए इज टू 2 का रेशो, मतलब ए के पास जितने भी पैसे है उससे डबल बी के पास है। अब यहाँ पे सीन में और दो लोग आ गए, एक का नाम है सी, एक का नाम है डी। सी के पास 15 रुपए है और डी के पास 30 रुपए है। अगर आप इसको भी रिड्यूस कर दो अगर इसको भी, तो क्या मिलेगा, 1:2 मिलेगा। कैसे, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख के देखो, 15/30, 15 1s 15 एंड 15 2s 30, तो आपको फिर से 1:2 रेशो मिलता है। देखिए आप वैल्यूज अलग है, ए के पास 5 रुपए है, सी के पास 15 रुपीज है, बी के पास 10 रुपीज है, डी के पास 30 रुपीज है। ए के पास भी सेम पैसे नहीं है, लेकिन फिर भी ए टू बी जो रेशो है दैट इज इक्वल्स टू सी टू डी रेशो। ए टू बी जो रेशो है दैट इज इक्वल्स टू सी टू डी रेशो। तो जब दो रेशो की बराबरी होती है, मतलब जब दो रेशो इक्वल होते हैं, तो आप इनको बोलते हैं प्रपोर्शन। जब वैन टू और मोर देन टू रेशोज आर इक्वल, देन दोज रेशोज आर सेट टू बी इन प्रपोर्शन। अब रेशो को तो आप सेमीकोलन लगा देते हो, इस टू बोल देते हो, वैसे लिख देते हो। प्रपोर्शन को आप कैसे लिखते हो, प्रपोर्शन को आप लिखते हो ऐसे कि फर्स्ट रेशो आप लिख दो, सेकेंड रेशो आप लिख दो, और उनके बीच में 2:2 दैट इज 2 सेमीकोलन आप लगा दो। मतलब ये जो 4 डॉट्स आपको दिख रहे हैं, ये क्या बोल रहा है कि ये दोनों रेशो प्रपोर्शन में है। प्रपोर्शन में है मतलब इक्वल है। इक्वल कब है, जब हमने रिड्यूस किया है, वैल्यू जब हमने देखी तब नहीं, वैल्यू वाइज वो अलग है। एक के पास 5 रुपए, एक के पास 10 है, एक के पास 15, एक के पास 30 है, वैल्यू सेम नहीं है लेकिन रेशो सेम है। मतलब ए के पास जितने भी पैसे है उससे डबल बी के पास है, सी के पास जितने भी पैसे है उससे डबल डी के पास है। तो इसीलिए ए टू बी जो रेशो है दैट इज इक्वल टू सी टू डी रेशो। तो ये जो है ये प्रपोर्शन में है। अगर आपको ये क्लियर है कि प्रपोर्शन क्या होता है, ये एग्जाम्पल क्लियर है, तो प्लीज पॉज योर स्क्रीन एंड राइट दिस। अगर प्रपोर्शन क्या है ये क्लियर है, तो लेट्स मूव ऑन द सम्स फॉर प्रैक्टिस। ओके, जो मैंने आपको रेशो वाली चीज बताई पहले, उसी का प्रैक्टिस हम कर लेते हैं। मैंने आपको समझाया कि रेशो क्या होता है, रेशो इज द कंपैरिजन। अब यहाँ पे आप देखो 10/x क्या है, वो दैट इज द फर्स्ट रेशो। 70/21 है, दैट इज द सेकेंड रेशो। अब हमको इन दो रेशो को इक्वल दिया है, मतलब ये क्या हुआ, दिस आर इन प्रपोर्शन। अब ये प्रपोर्शन में है तो हमको क्या ढूंढना है, हमको x की वैल्यू ढूंढनी है। x की वैल्यू हम कैसे ढूंढेंगे, हम ऐसे ढूंढेंगे कि जो भी हमको ढूंढना है उसको एक साइड पे रहने दो। ओके, अब उसको हम न्यूमरेटर में लाएंगे, तो x अगर दूसरी साइड जाएगा तो वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, लेकिन जो बाकी की चीजें जैसे ये 70 एंड 21, इसको भी अपनी साइड चेंज करनी पड़ेगी। ओनली द वेरिएबल स्टेज एट वन साइड। तो 70 अगर दूसरी साइड जाएगा तो वो डिविजन में आ जाएगा, दैट इज डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और 21 दूसरी साइड पे जाके वो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 10/21/70, तो वो आपको x की वैल्यू ढूंढ के देने वाला है।
इसको क्लियर लिख लेते एक बार, इंटू 21 इक्वल्स टू एक्स। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 10 वन जा 10 सेवन जा 7 वन जा 7 थ्री जा, देयरफॉर एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या मिल रही है 3। अब आप बोलोगे मैम कैसे पता चलेगा करेक्ट है, देखो मैंने आपको बोला दोनों रेशोज आर इक्वल तभी वो प्रपोर्शन में, तो 70/21 को रिड्यूस कर दो, देखो ये रेशो क्या है, तो आपको मिलेगा 7 10 7 10 is 70 एंड 7 3 is 21, मतलब 70/21 का रेशो क्या है 10:3। यस 70/21 का रेशो क्या है 10:3। ये 10:3 रेशो सेम है 10/x का, तो अभी x के जगह कौन आएगा 3 आएगा ना, समझ में आया ये बात कैसे रेशोज एंड प्रोपोर्शंस काम करते हैं, ये क्लियर है क्या? बहुत इजी कंसेप्ट है, बस इसको थोड़ा सा ज़्यादा हम लोगों ने बड़ा बना दिया है, डरावना बना दिया, वैसे ही इसमें डरने वाली बात कोई भी नहीं है। यस सो पॉज योर स्क्रीन कॉपी दिस, फिर हम आगे सेम सिमिलर टाइप ऑफ प्रोपोर्शन वाले सम्स हम कर लेंगे। अब सेकेंड सम को आप ध्यान से देखो क्या दिया है हमको, 29/40 ये फर्स्ट रेशो दिया है, 29/40 फर्स्ट रेशो है। सेकेंड रेशो ये कौन है 58/A मतलब यहाँ पे ए वैल्यू हमको ढूंढनी पड़ेगी, दोनों रेशोज इक्वल है इसलिए प्रपोर्शन में, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ए को हम ऊपर ले जाएंगे, 58 अपनी जगह पे रहेगा, जो 40 है वो ऊपर चला जाएगा नेक्स्ट साइड पे, और जो 29 है वो नीचे आ जाएगा, सो ये हो जाएगा 58/40/29। अब इसको कैसे आप सॉल्व करोगे, 29 ones are 29 twos are 58, अगर वैसे नहीं आता है तो आप कोई भी टेबल से इसको रिड्यूस करने की कोशिश कर सकते हो। यस आप 2 into 40 कितना होता है, वो होता है 80, मतलब ए का वैल्यू कितना आएगा 80। अगर आपको चेक करना है कि करेक्ट है कि नहीं है तो आप इसको कैसे चेक करोगे, देखो 29/40 है तो उसका रेशो कितना होता है आप वो देख लो, 58/80 आप लिख लो, सो 58/80 अगर आप इसको सॉल्व करोगे, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको 2 से आप इसको रिड्यूस करने की कोशिश करो ना, तो कितना मिलेगा देखो, तो आपको फिर से 2 से रिडक्शन करने के बाद 2 29s are 58 and 2 40s are 80 मिला, दैट इज सिमिलर टू द फर्स्ट रेशो, समझ में आ रहा है, दिस इज जस्ट फॉर द चेकिंग मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन ऐसे आप इसको करोगे सॉल्व, ये क्लियर है। प्रोपोर्शन मतलब क्या, टू रेशोज आर इक्वल, रेशो मतलब क्या, कंपेरिजन ऑफ टू सेम यूनिट्स, ये क्लियर है एकदम, तो इसको कॉपी कर लीजिए प्लीज पॉज करके स्क्रीन को। आगे बढ़ेंगे ऑन नेक्स्ट सम, क्या बोल रहा है, फर्स्ट रेशो इज 70/88, नेक्स्ट सम क्या बोल रहा है 44 x/44 तो आपको यहाँ पे x की वैल्यू ढूंढनी है। अब x ऑलरेडी ऊपर है तो उसको ऊपर रहने दो, सिर्फ किसको जाना पड़ेगा 44 को नेक्स्ट साइड पे जाना पड़ेगा। अब 44 डिनोमिनेटर में है ऑन द राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड पे जाके वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 70 × 44/88, तो 44 ones are 44 twos are 88। अब यहाँ पे आप 2 से भी रिडक्शन कर सकते हो, 2 ones are 2 3s are 6, तो एक कैरी फॉरवर्ड हो गया दैट इज 10, तो 35 are 70 होता है, देयरफॉर x की वैल्यू यहाँ पे क्या आनी चाहिए 35। रेशो में भी देख लीजिए इसको 35/44, अगर आप 70/88 को रिडक्शन में लेके आते हैं तो भी आपको 35/44 मिलेगा। इज दिस क्लियर, अगर आपको ये क्लियर है तो इसको भी कॉपी कर लीजिए। एक और सिमिलर काइंड ऑफ सम हम ले लेते हैं, 100। अच्छा यहाँ पे 100 आया इसलिए एक और बात बताती हूँ, आपने परसेंटेज ये नाम सुना है क्या? अगर आपने परसेंटेज ये नाम सुना है तो याद रखिए, व्हाट इज परसेंटेज, परसेंटेज इज रेशियो आउट ऑफ 100, मतलब परसेंटेज इज कंपैरिजन आउट ऑफ 100।
हंड्रेड से कंपेयर करके, हंड्रेड से बराबरी करके आप बता रहे हो कि मुझे कितना मिला। सो क्या याद रखना है कि परसेंटेज जो है वो एक रेशो है, वो कंपैरिजन है आउट ऑफ हंड्रेड, हंड्रेड में से कितना उतना, तो वो परसेंटेज बताता है हमें। यस, अभी ए अपॉन हंड्रेड फर्स्ट रेशो दिया है, सेकेंड रेशो क्या दिया है 32/50, तो हमको ए की वैल्यू ढूंढनी है, ए को यही रहने दो, 32/50 को भी वही रहने दो, कौन साइड बदल रहा है, हंड्रेड साइड बदल रहा है। अब डिनोमिनेटर में से वो कहाँ जाएगा, वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। नाउ यू ऑल नो 51s and 52s are 100, तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी मिलेगी, ए की वैल्यू मिलेगी 64, देयरफॉर ए कितना है 64। अगर आप रेशो वाइज भी देखना चाहो तो देखो 32/50 है तो 64, दोनों 32 और 50 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको 64/100 मिल जाएगा। मैंने आपको जब प्रोपोर्शन ये चीज़ समझाई तब आपको बताया द वैल्यूज कैन बी डिफरेंट बट द रिड्यूस्ड रेशो वुड बी सेम, दैट इज द प्राइम रेशो सेम रहता है, प्राइम रेशो नहीं बदलेगा, वैल्यूज वहाँ पे कोई भी आ सकती है। यस, सो यहाँ पे भी आप स्क्रीन को पॉज करके इसको प्लीज कॉपी कर लीजिए। अगर प्रपोर्शन ये टॉपिक क्लियर है तो इसको डेली यूज में हम कैसे यूज करते हैं वो मैं अभी आपको समझाऊंगी। आपने बहुत बार मम्मी के साथ शॉपिंग की होगी, वेजिटेबल्स खरीदे होंगे, जाके दुकान में चावल गेहूँ ये सब खरीदे होंगे ना, तो आपको कैसे बताया जाता है, आपको बताया जाता है कि अगर मैं आपको बोलती हूँ कि 16 kg ऑफ बनानास मुझे रुपीस, दिस इज नॉट डॉलर, हम इंडिया में तो रुपीस में ही बात करेंगे, रुपीस 32 में पड़े, तो बताओ अगर मैं 8 kg लेती तो मुझे कितना पड़ता। अब दिस इज प्रपोर्शन का क्वेश्चन, बिकॉज द रेशियो ऑफ द 16 kg बनाना एंड द रुपीस जो जितने में वो 16 kg पड़े है, दैट वुड बी इक्वल टू द 8 kg बनाना और जितने रुपीस अभी इस 8 kg के लगने वाले हैं। यस, ये दोनों प्रपोर्शन में है, ये दोनों रेशो। अब इसको यूज करके हम ये कैसे ढूंढेंगे मैं आपको बताती हूँ। देखो हम कैसे लिखते हैं, 16 kg बनाना मुझे कितने रुपीस में पड़े, मुझे 32 रुपीस में पड़े, तो बताओ 8 kg बनाना मुझे कितने रुपीस में पड़ेंगे, x रुपीस में पड़ेंगे। अब आप क्या करोगे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका मतलब 16 × x हो जाएगा इक्वल्स टू 32 × 8 हो जाएगा। अब मुझे x की वैल्यू ढूंढनी है तो 16 को भैया जाना पड़ेगा दूसरी साइड पे, तो दूसरी साइड पे जाएगा तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब 8 1s are, यू ऑल नो 8 2s are 16, 2 1s are and 2 16s are 32, मतलब अगर मैं 8 kg बनाना लेती हूँ तो मुझे 16 rupees देने पड़ेंगे, 16 किलो बनाना के लिए मुझे 32 rupees देने पड़े। रेशो समझ के लो, 16:8 जब मुझे दिया, मतलब 16 kg बनाना का 8 rupees मुझे लगा, इसका रेशो 2:1 है, मतलब एक बनाना कितने का है, 2 rupees का है। समझ रहे हैं आप बात? यस, इज दिस क्लियर? अगर ये क्लियर है पॉज योर स्क्रीन, कॉपी दिस एंड फिर हम आगे बढ़ेंगे और हम लोग DIY क्वेश्चन पे आएंगे, दैट इज डू इट ऑन योर सेल्फ, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे ताकि मुझे समझ में आए कि आपको ये टॉपिक कितना क्लियर हुआ है, कितना आपको अंडरस्टैंडिंग इसकी बढ़ चुकी है। और फिर आज के लिए, इस टॉपिक के लिए, इस लेक्चर के लिए मैं इतना ही बोलूँगी। कल हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे, कल नहीं मतलब हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे और न्यू टॉपिक। यस, सो पॉज योर स्क्रीन, कॉपी दिस एंड देन वी विल गो ऑन DIY क्वेश्चन। सो हियर इज द DIY क्वेश्चन, दैट इज डू इट ऑन योर ओन। आप कमेंट बॉक्स में प्लीज इसका आंसर जरूर देना, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को शेयर जरूर करना। यस, आज के लिए इतना ही, प्लीज टेक केयर एंड गुड बाय।